हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत इन्जॉय से पढ़ रहे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए हुए होंगे। तो जैसा कि हम लोग फिजिक्स के और फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ ऐसे लेसन लेकर चल रहे थे जो कि धमाकेदार आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट्स है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग चलिए चलते। जैसा कि आपने टॉपिक्स देख लिया होगा, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और मस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए चलते चलिए देखते हैं। फर्स्ट जैसे आपको टॉपिक मिलता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? बताया था कि हमारी प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, हमारी प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जैसे स्वतः कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, परंतु फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। ऐसे कीड़ों को हम क्या बोलते हैं? रेडियो के कीड़े, ठीक। मैंने क्या बोला कि प्रकृति में कुछ अदृश्य जो कि हमको दिखाई नहीं देती हैं कीड़े पाई जाती हैं, इन्हीं को हम रेडियो के कीड़े बोलते हैं, रेडियो की कीड़े बोलते हैं। और इनसे जो स्वतः जो कीड़े निकल रही है ऑटोमेटिक प्रेशर होता है, तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। स्वतः विघटन जो होता है इसी फिनामिना, दैट्स प्रॉपर्टी या दैट्स फिनामिना इज नोन एज अ रेडियो एक्टिविटी। कुछ अदृश्य कीड़े होती है जिसे स्वतः कुछ कीड़े निकलते हैं उन्हें हम रेडियो के कीड़े बोलते हैं, और यही क्रिया क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। तो रेडियो के कीड़ों की प्रकृति रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसको सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि अगर हम किसी ऐसे पात्र में जो एक प्रकार का ऐसा जार हो उसमें बंद करके रख दें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ, अगर इसमें मैंने रख दिया है, इसने एक बारीक सा छिद्र कर दिया है और इसके पास में दो प्लेट लगा दिया जाए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस रेडियो इस छिद्र से क्या होता है, कुछ ऐसे कीड़े निकलती हैं जो कि जैसे इसको मैंने रेड प्लेट बनाया और इसको धन प्लेट बनाए हैं, कुछ ऐसे कीड़े निकलती हैं जो रेड प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि इन रेडियो एक्टिव कीड़ों में कुछ ऐसे भी कीड़े होती हैं जिन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही तो नेगेटिव चार्ज की ओर अप्लीकेबल होंगे, ठीक है। इन कीड़ों का नाम रख दिया गया अल्फा कीड़े। और कुछ ऐसे कीड़े थी जो कि प्लस आवेश की ओर मूव हो रही थी, तो ऐसे स्पष्ट हुआ कि इन कीड़ों पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, तभी ना वो पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगी, तो इसका नाम उन्होंने रख दिया बीटा कीड़े। और कुछ ऐसे भी कीड़े थी जो कि सीधी रेखाओं में चली जा रही थी, तो इससे स्पष्ट हुआ कि कुछ ऐसे कीड़े होती हैं जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो नेगेटिव प्लेट की ओर मूव होती, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव होती, अगर सीधी चली जा रही थी तो इसका मतलब गामा कीड़े होती हैं जिनको हम उदासीन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो अल्फा कण हमारा होता है धनावेशित होता है, बीटा कण जो होता है वो ऋणावेशित होता है, और जो हमारा गामा कीड़े होती है वह क्या होती हैं? उदासीन होती हैं। बिल्कुल सिंपली तरीके से उसको हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव विघटन देखिए अभी बताया जा रहा है कि जब कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाता है, अभी मैंने इसे बताया जैसे कोई बंद जार है, ठीक, इसमें मैंने जब एक बारीक सा छिद्र कर दिया तो इससे क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव कीड़े होती हैं वो ऑटोमेटिक निकलना स्टार्ट कर देती हैं। इसके पास में एक रेड प्लेट और एक धन प्लेट रखा गया, तो कुछ कीड़े जो थी वह रेड प्लेट की ओर आकर्षित हो जा रही थी, तो इससे स्पष्ट होता है कि इन रेडियो एक्टिव कीड़ों में कुछ ऐसी कीड़े जिन पे धन आवेश होता है, क्योंकि ऋण आवेश की ओर तो वही आकर्षित होंगी जो इस पे धन आवेश होगा, तो ऐसी कीड़ों को अल्फा कीड़े नाम दिया गया और धनावेशित होते हैं, दैट मीन्स अल्फा प्लस होता है। और कुछ ऐसे कीड़े थे जो धन प्लेट की ओर मूव हो जा रही थी, ठीक, इनका कीड़ों पे का नाम रख दिया गया बीटा कीड़े, ऋण आवेशित होती हैं, और गामा उदासीन होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता, जो सीधी रेखा में चली जा रही थी, जिससे स्पष्ट हुआ कि इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है, हम गामा कीड़े बोल रहे हैं, ठीक। तो जब इन कीड़ों से अल्फा बीटा गामा कीड़े उत्सर्जित होती हैं तो क्या होता है? इसका जो मॉस होता है कुछ लॉस होता है ना। रेडियो की विघटन का मतलब हुआ जब किसी रेडियो के पदार्थ से कुछ मतलब रेडियो के कीड़े निकलती हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? कुछ कम हो जाता है, इसे हम रेडियो की विघटन बोलते हैं।
रेडियम डिटन के नियम आपको हैं, शोडी फजान का नियम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए समझिए, बहुत बताया था कि जब किसी एक रेडियो पदार्थ से, ठीक इसमें फर्स्ट पॉइंट है, जब किसी एक रेडियो पदार्थ से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो बनने वाले पदार्थ में क्या होता है, उसके परमाणु क्रमांक में 2 कमी और उसके परमाणु भार में 4 की कमी होती है। ठीक, तो मैंने क्या बोला, जब किसी रेडियो पदार्थ से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होती है। और दूसरा पॉइंट बताया गया कि जब किसी एक रेडियो पदार्थ से एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो उसका परमाणु भार तो सेम रहता है, उसका परमाणु क्रमांक एक बढ़ जाता है। और जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से गामा कण उत्सर्जित होता है तो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि तो विद्युत आसीन होती है, उसको एक सेलरेशन करती नहीं, इसलिए वह सेम उसी तरीके से बना होता है। ठीक है, यह रेडियो की विघटन के नियम या सोडियम बढ़ाने के नियम से जाना जाता है। इसमें अल्फा कणों की संख्या का निकालना हो क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंस नोट में, कि अल्फा कणों की संख्या को निकालना है तो द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी हो रही है, द्रव्यमान संख्या में कमी जो होती है उसमें 4 से अगर हम भाग कर दें तो हमारा अल्फा कणों की संख्या बहुत आसानी से फाइंड हो जाती है। और बीटा कणों की संख्या अगर निकालना हो, बीटा कणों की संख्या बराबर होता है 2 गुणे अल्फा कणों की संख्या माइनस परमाणु क्रमांक में वृद्धि, परमाणु क्रमांक में जो परिवर्तन हो रहा है उसको रख लेते हैं। ठीक है, सिंपल सिचुएशन, इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब रेडियो के विघटन के नियम, रेडियो एक्टिव विघटन के नियम है, रेडियो के विघटन के नियम को इस प्रकार से, रेडियो एक्टिव विघटन के नियम या इसी को रदरफोर्ड का नियम के नाम से जाना जाता है। विघटन से संबंधित रदरफोर्ड का नियम, तो इसके आधार पर बताया जाता है कोई भी रेडियो की किरणों का जब विघटन होता है वह उसकी प्रारंभिक मात्रा पर डिपेंड करता है, मतलब जो उसका परमाणु क्रमांक है, जो उसका परमाणु भार होगा उस पर डिपेंड करेगा, जितना उसका परमाणु भार होगा उस प्रकार से विघटन होगा, कम परमाणु भार है तो कम विघटन होगा, अधिक परमाणु भार है तो अधिक विघटन होता है, उस पर डिपेंडेंट करता है। और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं, तो ध्यान दीजिए, मैंने बताया रेडियो एक्टिव विघटन का नियम है, रदरफोर्ड का नियम इसको बोला जाता है। तो किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ के जो विघटन की ऋणात्मक दर होती है उसमें उपस्थित परमाणुओं की प्रारंभिक संख्या क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाते हैं तो dN अपॉन dt इक्वल टू लेमडा इंटू एन, मैंने इसको साइड एन को भेज देते हैं तो dN अपॉन एन इक्वल टू हो जाएगा माइनस लेमडा इंटू dt। आंशिक समाकलन अगर किया जाए इसका, तो देखिए समाकलन में फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स दैट इज लॉग एक्स। ठीक है, ये हमारा मिल जाएगा यहाँ से लॉग एन इक्वल टू माइनस लेमडा डी टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा प्लस एनी कॉन्स्टेंट सी। अगर हम प्रारंभ की बात करें, जो प्रारंभ में, तो ध्यान दीजिए प्रारंभ की बात करें तो जब t बराबर 0 हो उस समय प्रारंभिक मात्रा क्या था, n इक्वल टू एन जीरो। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, log n जीरो इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू जीरो प्लस सी, दैट मीन्स c की वैल्यू निकल जाएगा log n जीरो। तो समीकरण एक में रख दीजिए, फ्रॉम वन में log n इक्वल टू माइनस लेमडा t प्लस
लाइक एन जीरो सूर्य उठा लाते हैं, लेमडा टी इक्वल टू हो जाएगा लॉग एन जीरो माइनस लॉग एन, इसको ऐसे लिख देते हैं लॉग एन जीरो बटे एन, लॉग एन बटे लॉग एन की फर्क का बटे लगा देंगे। तो यहाँ से अगर हम पी एन जीरो माइनस था ना हो जाएगा पावर में माइनस हो जाएगा, तो लॉग एन अपॉन एन जीरो बराबर हो जाएगा टी के पावर माइनस लेमडा टी, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं एन बराबर एन जीरो टी के पावर माइनस लेमडा टी। तो रदरफोर्ड शोधी थ्योरम का नियम होता है, इसको हम लोग अल्फा बीटा गामा किरणों की विघटन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो टॉपिक और हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे टॉपिक देखते हैं। तो बहुत अच्छा आप लोग का सीरीज चल रहा है, इसमें थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आयश तो थोड़ा स्लो आ रहा होगा, बट उसको हम लोग मेंशन करते हैं समझ में आएगा। अर्धायु क्या होता है, ज़्यादातर कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ जितने समय में अपने प्रारंभिक मात्रा का क्या होता है आधा विघटित हो जाता है वह समय क्या कराता है, उस पदार्थ की अर्धायु काल करा देगी, ठीक। जितने समय में प्रारंभिक का आधा विघटित हो जाता है वही समय क्या कहलाता है, उसका अर्धायु काल कहलाती है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कुछ इस तरह से एन इक्वल टू एन जीरो ई के पावर माइनस लेमडा इंटू टी, अर्धायु की बात करें तो एन इक्वल टू क्या होगा एन जीरो बाई टू प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित जाएगा, और टी के स्थान पर हम लोग टी हॉप से अगर इसको रिप्रेजेंट करें टी हॉप से तो क्या हो जाएगा हमारा एन जीरो पॉइंट टू इक्वल टू एन जीरो टी के पावर माइनस लेमडा इंटू टी हॉप, यह कैंसिल हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो जाएगा टू इक्वल टू टी के पावर लेमडा इंटू टी हॉप, लॉग ले लीजिए, अगर हम लॉग लेते हैं क्या मिलेगा लॉग ई रेस टू टू बराबर पहले आ जाएगा लेमडा इंटू टी हाफ, लॉग ई रेस टू की वैल्यू वन होती है, ठीक है। लॉग टू ई रेस टू टू की वैल्यू क्या होता है 0.693 इक्वल टू लेमडा इंटू टी हाफ, या टी हाफ की वैल्यू अगर हम निकालेंगे 0.693 अपॉन लेमडा, ये अर्धायु काल का सूत्र होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, सो आप लोग समझेंगे तो बहुत बारीकी समझ में आएगा। ये फार्मूला आपको देख लिए होंगे, इसको इरेज कर देते हैं, कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके अपना नोटबुक बना सकते हैं, क्योंकि एक बार आप उसको फिर से रिविज़न करने का प्रयास अगर करेंगे तो ऑफलाइन भी देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम्स नहीं है रिचार्ज नहीं है इस टाइम्स में आप उसको ऑफलाइन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिव सक्रियता, रेडियो की सक्रियता बताया था किसी भी रेडियो के पदार्थ की जो विघटन की दर होती है उसकी प्रारंभिक मात्रा के आधार पर परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। तो जैसे कि एक अर्धायु काल की बात करें, जैसे मैंने देखा एन इक्वल टू एन जीरो एक अर्धायु काल में एन जो हो जाएगा हमारा एन जीरो बाई टू मतलब प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जा रहा है, ठीक है। इसको वन अपॉइंट टू इंटू एन जीरो के पावर वन लिख सकते हैं ऐसे। दूसरी साल में अगर कहा जाए इसका फिर से आधा विघटित हो जाएगा, दैट मीन्स एन इक्वल टू एन जीरो बाई फोर हो जाएगा,
इसको हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन एन जीरो इंटू वन अपॉन टू के पावर टू लिख सकते हैं। तीस साल की बात अगर करें फिर से इसका आधा विघटित हो जाएगा, दैट मीन्स एन जीरो अपॉन एट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एन जीरो इंटू वन बाई टू के पावर थ्री। तो देख रहे हैं अगर हम 33 साल की वैल्यू कर रहे हैं तो एन जीरो इंटू वन बाई टू के पावर थ्री आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग एनवी साल की बात करें तो हमारा एन इक्वल टू एन जीरो इंटू वन अपॉन टू के पावर एन, यह होता है रेडियो की पदार्थ की सक्रियता। सिमिलरिटी ऐसे ही 3, 4, 5 की अगर बात करें एन की कंडीशन में क्या होगा, एन इक्वल टू एन जीरो इंटू वन बाई टू के पावर एन, अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा का आधा क्या होता है वो बिगड़ित होता रहता है। इसके आधार पर आप लोग फाइंड कर सकते हैं। एक टॉपिक और मिलता है इसमें औसत काल, औसत काल क्या होता है, किसी भी रेडियो में पदार्थ की जो अर्धायु काल होती है वो एक सीरी मतलब ऑर्डरिंग क्रम में चेंज होती रहती है। यहाँ तो बताया था कि जो अर्धायु काल होता है उसके अर्धायु काल के व्युत्क्रम क्या होता है बराबर होता है, जैसा व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप इस प्रकार से आप लोग वीडियो को देखे होंगे, अच्छा लगा होगा तो इसे अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, अगर वीडियो पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।